ये लीजिए। वैसे सागरिका, हम वो आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना। वो हम आपसे वो कमरे में कहना चाहते थे ना कि हम आपको ये बोलना चाहते थे कि वो तो वो जलेबी वाले की बात करी थी ना, वो कौन सी जगह, मैं हमेशा भूल जाता हूँ। अरे वो विश्वनाथ मंदिर है ना, उसके सामने। वही वही। तो अभी चले खाने? अभी नहीं नहीं, वो तो बहुत दूर है और अभी कितनी ट्रैफिक मिलेगी ना। अरे हमें कौन सी गाड़ी चलानी, ड्राइवर है ना हमारे पास। बट बाबा को तो मीटिंग में जाना है ना। अरे मैं तो चला ही जाऊंगा, तुम एक काम करो, तुम गाड़ी लेके जाओ। अरे पिंटू कल ऐसे थोड़ी मैं कर सकता हूँ। नहीं, नहीं नहीं, हम कुछ और सोचते हैं। कोई बात नहीं, हम गाड़ी का बंदोबस्त कर देंगे। सर आप जाइए कार से। वो क्या है ना, हमारा ट्रैवल एंड टूरिज्म का बिजनेस है, हमारा तो रोज का काम। तुम बिजनेसमैन है? जी सर। दिखते तो नहीं हो, बट आई एम इम्प्रेस। दीदी अगर आप में इतनी अकड़ नहीं होती ना, तो इतनी उम्र हो जाने के बाद भी आप यूं अपने पिताजी के घर बैठी नहीं रहती। हम क्या कहे थे, पुरानी साड़ी की गठरी लेके आना है। ठीक है ना, आज के बाद हम कोई काम नहीं करेंगे घर का। अब हमको क्या पता बहू ऐसे रंग दिखाएगी, देख परख कर लाए थे सुंदर सी बहू। बात तो सही है, लेकिन लक्ष्मी बहू, किसी के चेहरे से उसके आचरण का और मन का पता थोड़ी ना चलता है। इसलिए हम सोच रहे हैं बंटी के लिए कोई पहचान वाली लड़की ही ढूंढेंगे। लेकिन बंटी के बाबूजी कह रहे थे का पहले रत्ना को विदा करेंगे, फिर जाके जो है बंटी के बारे में सोचेंगे। जवान लड़की घर में बैठी रहे और लड़कों की शादी होती रहे, ठीक नहीं लगता। बिल्कुल सही अम्मा, और रत्ना दीदी के ब्याह के बिना किसी और चीज के बारे में सोचना ठीक भी नहीं है। देखा लक्ष्मी बहू, हमारी सत्या कितनी सयानी है। भोले बाबा की दया से जो है रत्ना को अच्छा लड़का मिल जाए, फिर तुरंत उसके बाद बंटी का घर बसाएंगे। देखिए वो हमारी एकदम खास है, गाड़ी चौराहे पर पहुंच जानी चाहिए और सब कुछ चेक कर लेना, एसी ठीक होना चाहिए, कपड़ा मरवा दीजिए, कुछ गड़बड़ नहीं चाहिए हमें, ठीक है। अरे क्या कर रहे हो भैया, आप क्या कर रहे हो, गाड़ी बुक कर रहे हैं, दिख नहीं रहा क्या? अरे हमें दिख रहा है, लेकिन जाना आपको चाहिए था भाभी के साथ, जा वो अरिंदम रहा है। हाँ यार, ये तुमने सोचा ही नहीं, मतलब सब मेहनत हम कर रहे हैं और सागरिका को घुमाए वो। एग्जैक्टली भैया, आप ध्यान दो, वरना अगर ये अरिंदम आपके और भाभी के बीच में आ गए ना, तो ट्रायंगुलर सीरीज बन जाए। कुछ तो करना पड़ेगा। बस क्या होते ही औलाद अपने माँ बाप को बिल्कुल ठोकर मारने में देर ही नहीं करते। कलयुग आया है, हाथ से चले गए हैं पप्पू। बस अब अपना बुढ़ापा अकेले काटने की तैयारी करेंगे हम। सर नहीं बोलते। अम्मा आप ऐसा क्यों सोच रही हैं? बंटी जी हमेशा आपके साथ थे और आपके साथ ही रहेंगे। और तुम? अम्मा ये भी कोई पूछने वाली बात है? सागरिका। अरे ड्राइवर, ड्राइवर कहाँ है, तुम गाड़ी चलाओगे? जी वो ड्राइवर की तबीयत खराब हो गई थी, तो हमने सोचा आप लोगों को जल्दी है, हम खुद ही ड्राइव कर लेते हैं।
दिस इज रियली स्वीट ऑफ यू बंटी, लेकिन हमारी वजह से आप इतना स्ट्रेस ले, दैट्स नॉट फेयर। आई नो। अरे ऐसा कुछ नहीं है, आप ही ने तो कहा कि हमारी दोस्ती, तो आपकी परेशानी हमारी परेशानी। वो स्वीट, थैंक यू। चलें? कम। अरे अरिंदम जी, आपने तो हमें ड्राइवर बना दिया। I'm so sorry brother, I'm so sorry। मैं आगे बैठता हूँ। तो चलिए सागरिका, आज हमारी ड्राइविंग भी देख लीजिए। आज भले ही तुम शनिचर देव की तरह हमारे पीछे लग गए हो, लेकिन हम भी सागरिका जी से अपने मन की बात कह के ही मानेंगे। अच्छा बंटी, हम ना जल्दी से बंगाली की क्लासेस शुरू करते हैं, तो आप जब भी फ्री हो बता दीजिएगा। जी हम तो बंगाली सीखने के लिए फ्री फ्री बैठे हैं, आप बताइए कब सिखाएंगे, हम हाजिर हो जाएंगे। यार सागरिका, मुझे एक और चीज याद आ रही है, तुम्हें पता है वो एक तुम व्हाइट और पिंक शेड्स का ड्रेस पहनती थी, बहुत ब्यूटीफुल था वो। अच्छा, आई डोंट रिमेम्बर, ऐसी कोई ड्रेस थी? ये लो, कर लो बात बंटी जी, हमें याद है लेकिन इन्हें याद नहीं। क्या बात है अरिंदम, ऐसी चीजें बड़ी नोटिस किया करते थे आप, और वो भी बचपन में। वो क्या ना सागरिका जी, कुछ चीजें ऐसी होती जिंदगी में जो उम्र भर के लिए याद रह जाती है, लास्टिंग इम्प्रेशन बना लेती है। आप लोग ना यहाँ पे बैठिए, हम आते हैं। जलेबी स्पेशलिस्ट, वाओ। सिट सिट। नाइस प्लेस ना। वेरी ब्यूटीफुल यार। थैंक्स टू बंटी। यार ही सो स्वीट। वेरी स्वीट गाय। अरे अरिंदम बाबू, ढाबे में आए हैं तो ढाबे के स्टाइल में बैठिए, पैर ऊपर रखे। Is that the way? Yeah. Perfect. तो आलू कचौरी? हाँ, done. सागरिका नहीं, आलू कचौरी पेट में जगह नहीं, आलू कचौरी कहाँ से जाएगी? अभी तो घर से खा के आए हैं। अरे ऐसे कैसे पेट भर गया? हाँ? अरे आलू कचौरी तो खासियत है, यहाँ के आलू कचौरी मंगा रहे हैं। हाँ? पर सागरिका, I am. अरिंदम please. Make the way. Okay. अरे लाओ. थोड़ी बहुत तो जगह होगी पेट में। ये आपके लिए। थैंक यू सागर। थैंक यू। इट्स यम, रियली बहुत टेस्टी है। ये ऐसे का? हाँ ऐसे ऐसे। यू ओके? हाँ। यू ओके ना? यार बहुत टेस्टी है पर स्पाइसी है। तीखा है। ठीक है। देखा वो को भी तीखी लगी क्या? नहीं नहीं बिल्कुल नहीं। हाँ मुझे भी ज़्यादा स्पाइसी नहीं लग रही है, थोड़ी सी स्पाइसी लग रही है। सागरिका जी आप बोलिए ना खाने के लिए, बोल रहे तीखा लग रहा है, आप बोलेंगे तो जरूर खाएंगे। अरिंदम खाओ ना। हाँ। सागरिका ये बहुत ज्यादा टेस्टी है। ओह माय गॉड, एक प्लेट कचौरी और पूरा जग पानी पी गए, थोड़ी सी और बची है ये भी पी लो। हम जलेबी मंगा देते हैं ना। यस यस जलेबी, अभी किसी वक्त। आपका पेट तो ठीक है ना? वो हमारा मतलब है वो
गुड़ गुड़ जैसा। हाँ, exactly. वो थोड़े वो बबल सेंसेशन, I can feel it. मैं लग ही रहा था वो। दरअसल क्या है ना अरिंदम जी, यहाँ से घर थोड़ा दूर है और जाते जाते ट्रैफिक भी मिल सकती है, तो अगर What? I think, I don't know. टॉयलेट कहाँ है? अच्छा बाथरूम, एक मिनट। छोटू छोटू प्लीज बक्के बक्के बक्के, ये जो हमारे भैया है ना, इनको बाथरूम ले। प्लीज भाई बाथरूम दिखाओ बेटा जल्दी। I just come, so sorry guys. Take your time. Yeah. वहाँ पे ओए रबड़ी जलेबी खा। हाँ बिल्कुल। नहीं पहले बनाते हैं। जलेबी बनाएंगे? कौन सिखाएगा? अरे हम सिखाएंगे ना, हम क्या किसी से कम है? आप रियली? और नहीं तो क्या, चलिए चल। भैया आप मुझे दीजिए ना, मैं बनाऊंगी। थैंक यू। अरे मुझसे तो बन ही नहीं रहा। हमसे खाते सागरिका, हम आपसे कुछ कहना चाहते हैं। बोलिए ना, मुझसे कैसी फॉर्मेलिटी? वो हम आपसे कहना चाह रहे थे कि हमें अरे ये क्या है, ये बी? ये बी बी है बंटी। और ये एस? एस आप सागरिका, अच्छा है ना? अरे वाह। अच्छा हम ना आपको मैजिक दिखाते हैं। Where is that wicked boy? कहाँ है वो तुम्हारा जो तुम्हारे पास काम करता है? उसको बुलाओ, कहाँ है वो लाल कपड़े वाला? Where is he? What happened? अरे सागरिका देखो ना, उस बच्चे ने मुझे टॉयलेट में लॉक कर दिया और मैं इतना नॉक कर रहा हूँ, he didn't even bother to. कहाँ है वो तुम्हारा जो काम करता है? अरे ऐसे कैसे कर सकता है, आप ऐसे बोल रहे हैं मुझे? इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ, इधर आओ। क्या किया तुमने?
बदतमीज बच्चे, तूने मुझे टॉयलेट में और क्यों किया? गलती हो गई साहब, माफ कर दीजिए। गलती हो गई? हाँ, इसे गलती बोलते हो? कोई बात नहीं, जाओ जाओ। हाँ ठीक है, माफ कर दिया, लेकिन नेक्स्ट टाइम माइंडेड बोलो। सॉरी। माइंडेड क्या ना बच्चा है, और आप थोड़ी बहुत अंग्रेज दिखते हैं ना, तो अंग्रेजों भारत छोड़ के जाओ, वो साइमन गो बैक, वो थोड़ा तो जलेबी। हाँ जलेबी खाते हैं, चलो चलो। छोड़ू जलेबी ले आओ, और इस टाइम जलेबी ही लाना, ठीक है? आइए बैठिए ना। गॉड हेल्प मी, नहीं अभी जलेबी प्लीज, जलेबी। हाँ अभी सीधा जलेबी, सागरी कफे तो जलेबी। हाँ बस आ रही है। ये तो देखी नहीं है ना। खा लो खा लो, हमारे दिल के टुकड़ों से ही पेट भर लो फिरंगी बाबू। You know what, पुपानी, सबसे ज्यादा मजा ना जलेबी बनाने में आया। और बंटी, ही सच अ टैलेंटेड गाय, चाहे रामलीला में एक्टिंग करनी हो, या किसी को मनाना हो, या फिर मार्केट में फाइटिंग करनी हो, ही इज जस्ट सो अमेजिंग। क्या कमाल का लड़का है यार। तो तुमने बहुत एंजॉय किया हाँ बंटी के साथ? यस, मैंने तो बहुत एंजॉय किया। हाँ, और तुम्हें पता है, एक मिनट, अरिंदम कैसा लगा? हाँ, अरिंदम कैसा लगा? अरिंदम जेंटलमैन है, कूल एंड काम है। बंटी को गलत ना समझने के लिए भी उसी ने मुझे और बाबा को कन्विंस किया। रामलीला करने में भी बहुत हेल्प की। लाइफ में बहुत सिंसियर है, मस्ती मजाक भी करता है। इन शॉर्ट, इज क्वाइट अ ग्रेट गाय। सागरिका, तो तुमने क्या सोचा है? किस बारे में? सागरिका, एक वीक कब का ओवर हो चुका है? काकू और पिशिमा कभी भी तुमसे तुम्हारा डिसीजन पूछ सकते हैं। उनको भी तो अरिंदम के माँ बाबा को जवाब देना है, राइट? वैसे भी तुम्हारी वजह से वो अपना विजिट बहुत डिले कर चुके हैं। अब और कितना वेट करेंगे? भैया, जैसे आप बता रहे हो ना, ये जो लंबू बंगाली है ना, अरिंदम, ये मुझे उसके दोस्त से कुछ ज्यादा लग रहा है। कहीं ऐसा ना हो कि इन दोनों बंगालियों के बीच कोई खिचड़ी पकड़ी हो। तू सही कह रहा, लेकिन अब तो हमें रात को नींद आने से रही, हमारे दिल और दिमाग में सागरिका ही छाई। लेकिन कसम भोलेनाथ की, अगर वो छुचुंदर अरिंदम बीच में नहीं आया होता ना, हमने अपने दिल की बात बोली दी होती। उसकी तो ना, खैर कोई बात नहीं, कल के कल ही अपने दिल की बात उनसे कह के रहेंगे, चाहे धरती और आसमान एक क्यों ना करनी पड़े। हाँ भाई, एवरीथिंग ओके है। हाँ हाँ, बनारस घूम रहा हूँ। I'll just call you back, huh? Yeah. Yes? मैं आपके कमरे तक जा रही थी, अच्छा हुआ आप यहीं मिल गए। I mean, क्या बात है, कुछ खास? हाँ, actually बात करनी थी। है सागरिका, क्या बात है बोलो ना। इम्पोर्टेंट बात है सागरिका, प्लीज बोलो क्या बात है। अरिंदम, क्या आप सच में मुझसे शादी करना चाहते हैं? आई मीन, कहीं आप सिर्फ अपनी फैमिली के प्रेशर में आकर तो हाँ नहीं कह रहे? सागरिका, क्या मैं जान सकता हूँ अचानक से सवाल क्यों? अरिंदम, क्योंकि मेरे लिए जानना बहुत जरूरी है कि ये रिश्ता क्या है, क्यों है। क्या आप मुझे सच में पसंद करते हैं? सागरिका,
सागरिका तुम किसकी पसंद कैसे नहीं हो सकती हो? जस्ट लुक एट यू यार, यू आर जस्ट परफेक्ट। वो सब तो ठीक है लेकिन लेकिन सोच में तुम्हारा चेहरा बता रहा है कि तुम बहुत ज्यादा सोच रही हो। सागरिका मैं अच्छी तरह से जानता हूँ, ये मैरिज तो हमारे पेरेंट्स अच्छी तरह से डिसाइड कर लेते हैं, तय कर लेते हैं, पर निभानी तो दोनों को पड़ती है। इसलिए मैरिज का असली बेस होता है प्यार और म्यूचुअल रिस्पेक्ट, म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग दोनों तरफ से, वरना निपटी नहीं। सागरिका मैंने बाहर रह के यही सीखा है, यही समझा है, अच्छी तरह से समझा है इस बात को। पिंटू अंकल ने तुम्हें जबरदस्ती की लेकिन मैंने उन्हें रोका क्योंकि मैं जानता हूं सागर यू नीड टाइम, और मैंने तुम्हें कभी फोर्स नहीं किया। और मैं चाहता हूं सागरिका कि तुम जो भी फैसला लो सोच समझ कर, बिना किसी प्रेशर में। तुम्हारे पर कोई भी प्रेशर नहीं, और शादी तो बहुत दूर की बात है यार, अभी फिलहाल तो तुम्हारी दोस्ती में ही खुश हूं। रियली अरिंदम, थैंक यू सो मच मुझसे इतना फ्रैंक होकर बात करने की, मीन्स अ लॉट, थैंक यू। थैंक यू। एक सवाल पूछ सकता हूँ? पूछिए ना। क्या तुमने अंकित को कुछ बताने का फैसला कर लिया है? एकदम दबंग, रहना बढ़िया, एकदम बढ़िया। अच्छा ये शर्ट थोड़ा ऐसा बंद कर लेगा, कहीं बूढ़ा सामने आ गया तो फिर से मामला बिगड़ ना जाए। हाँ ऐसे ये ठीक है, ठीक है। झकास। भैया मेरे को एक डर लग रहा है, कहीं वो कौवा यानी कि अरिंदम मंडरा था वो वहाँ बीच में आ गया तो क्या? तो भी उनके सामने हम बेधड़क सागरिका को अपने दिल की बात कह देंगे, उसके सामने डायरेक्ट ओपन, और नहीं तो क्या। अरे मेरे माता, हम मस्ती कर रहे हैं। अच्छा ये सब बातें थोड़ी ना किसी के सामने होती, अरे अकेले में ही बोलेंगे ना। भूल गए, आपने फोन तो किया है ना, घर पे तो है ना वो। फिर वही काम कर रहे हो ना, जब मुंह खोलते हो कुछ उल्टा क्यों बोलते हो तुम? अरे इतने सुबह सुबह अपने घर पे ही होंगी ना, और कहाँ जाएंगी। सही बात, हम जा रहे हैं ना सागरिका के, देख लेंगे। ये रोज रोज उस बंगालन के घर के बड़े चक्कर लगाए जा रहे हैं, कुछ तो बात है। भैया मैं नीचे बाइक को ठीक करता हूँ, अब इनको ठीक करो। बंटी जी वो तू ना जब देखो बीच में खड़े रहे बैल की तरह सिंग मारने, पीछे खड़े होके लोगों की बातें सुनो, बाद में जाके चुगली करो, यही काम है तुम्हारा बस। बंटी जी सुनिए तो, अम्मा कह रही थी नाश्ता, हमें कोई नाश्ता वास्ता नहीं करना, बहुत जरूरी काम है, पहले काम करेंगे फिर नाश्ता करेंगे ठीक है? और अभी हम ना जा रहे हैं, हमें पीछे से टोकने की कोई जरूरत नहीं, कहा ना कोई जरूरत नहीं। इस बंगालन से मिलने के लिए इतना भी क्या तड़पना, हमें रोकना होगा इन्हें। बंटी जी हम जा रहे हैं, बढ़िया वाला आशीर्वाद दे दीजिए। अरे रोटी तैयार है, हम जा रहे हैं। अरे जूते पहन के आया तू बंटी? अरे अम्मा, हाँ कहाँ निकली इसकी सवारी? अम्मा उस बंगालन के घर। क्या बंटी उस बंगालन के घर गया है? सच कह रही है तू? हाँ अम्मा। हे भगवान क्या हो गया है बंटी को? हम साफ साफ मना किए थे उस लड़की को इस घर में नहीं लाना है, तो ये उसके घर में क्या लेने गया है? ऐसा क्या रिश्ता बना लिया है? प्रणाम दादी। अरे हमारा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। शिव प्रसाद हमें एक बात बताओ, आजकल बहुत भागा दौड़ी कर रहे हो, कोई बड़ा अच्छा काम हाथ लगा है का? अरे दादी जैसे ही हमारा काम होगा ना आप सबको आके अपने आप बताएंगे। शिव प्रसाद, ओ, का कर रहे हो बचवा? सॉरी।
अरे बचवा, अच्छे और सच्चे लोगों का काम बनता ही बनता है। बस तुम मन लगा के काम करो, बाकी भोले बाबा तुम्हारे साथ। हमारा भी काम होगा ना? पक्का बनेगा। जा रहे, बाय। अरे भैया, एक लाल फूल वाला गुलदस्ता देना। सागरिका, हम आ रहे हैं। आज तो आपका जवाब सुन के ही रहेंगे।